मुझे याद है कि इस पेज ने ही सबसे पहले इस ड्रामे की अनाउंसमेंट की थी और उन्होंने कहा था कि पार्टीशन पर बेस्ड एक ड्रामा ने जा रहा है जिसका नाम होने वाला है जो बिछड़ गए, और वाकई ही में वो ड्रामा आया था। लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि उनकी ये न्यूज़ इस तरह सच होगी। अभी वही पेज एक क्लेम दोबारा से कर रहा है कि जियो टीवी पर एक ड्रामा ने जा रहा है जिसका नाम होने वाला है लौट आओ ना, और इसकी स्टारकास्ट बहुत बड़ी बताई गई है। इसकी स्टारकास्ट में होने वाले हैं सबा कमर, इमरान अब्बास और हिना अल्ताफ, और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले, मतलब ये अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरेशी के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रहा है और आपको जियो टीवी पर देखने को मिलने वाला है। अगर मैं एक तरफ देखूँ कास्ट की तरफ तो मुझे ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, और दूसरी तरफ इमरान अब्बास ने भी अभी जो भी इंटरव्यू दिए हैं या वो लाइव आए हैं तो उन्होंने किसी इंटरव्यू में या लाइव सेशन में ये नहीं कहा कि वो ये ड्रामा भी कर रहे हैं। उन्होंने बस यही कहा है कि जियो टीवी का हरामे जुनून जो है इसकी मेरे पास स्क्रिप्ट आई है, वो भी मैं पढ़ रहा हूँ, उसका कुछ ऑफिशियल नहीं है कि वो आएगा या नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरह के किसी ड्रामे की बात नहीं की। शायद जो मतलब चैनल वाले हैं उन्होंने अभी सोचा हो कि फ्लां फ्लां को कास्ट करेंगे, उनके पास स्क्रिप्ट रेडी हो। और मैं एक तरफ यकीन इसलिए भी करता हूँ क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बताया था जब किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अचानक ये ड्रामा आया था, ग्रीन टीवी का ड्रामा था जो बिछड़ गए, तो उन्होंने बताया था कि पार्टीशन पर बेसिक ड्रामा ने जा रहा है, जो हमारी ढाका की पार्टीशन हुई थी तो उस पर ये ड्रामा होने वाला है, और वो ड्रामा वाकई आ गया था। तो मुझे इसलिए भी थोड़ा यकीन आ रहा है कि शायद ये ड्रामा आ भी सकता है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप सबा कमर को, इमरान अब्बास को और हिना अल्ताफ को इस ड्रामे लौट आओ ना में देखना चाहते हैं या नहीं, या आप कुछ और चाहते हैं कि मतलब इमरान अब्बास के ऑपोजिट कोई और आए या सबा कमर के ऑपोजिट मेन लीड में कोई मेल एक्टर कोई और आए, तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।